गंगा है, कावेरी है, नर्मदा है, सिंधु है, यहाँ तक कि रामेश्वरम के जो 22 कुंड हैं उन कुंडों का भी जल यहाँ पर है, सागर का भी जल इसमें विद्यमान है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में और यहाँ पर राम जन्मभूमि और प्राण प्रतिष्ठा में चारों धाम से ये जल आया है। जल का एक रथ आया है, इस रथ में चारों धाम का जल लेकर के आया गया है और जल को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ आई हुई है और इस वक्त ये हनुमानगढ़ी में और सारे जो भक्त हैं उनके ऊपर भी इस जल को डाला जा रहा है। देखिए किस तरह से सबको पवित्र करने की एक माना जाए तो एक अनुष्ठान जो बाहर से आया हुआ है, जो चारों धाम से जल आया हुआ, उस जल को पाने के लिए लोग आए हुए हैं और देखिए किस तरह से पूरी भीड़ जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए चारों धाम का पूरा जो जल है वो प्राण प्रतिष्ठा में इसी से जलाभिषेक किया जाएगा और इसी जलाभिषेक से प्राण प्रतिष्ठा में जब मोदी यहाँ आएंगे तो वो भी जलाभिषेक भगवान श्री राम को इसी जल से करेंगे। ये जल चारों धाम से आया हुआ है और चारों धाम का ये जल इसी से जलाभिषेक होना है। हनुमानगढ़ी में ये रथ पहुंचा हुआ है, बड़ी संख्या में चारों धाम से जो श्रद्धालु हैं वो भी आए हैं, महंत लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं और फिलहाल महंत हनुमानगढ़ी में गए हुए हैं। चारों धाम से ये जल आया हुआ है और जल के साथ में साधु संतों का पूरा बेड़ा साथ में यहाँ चल करके आया है। इसी रथ के साथ आए आप, कहाँ से आया पानी है? ये उत्तराखंड से आया। उत्तराखंड से? हाँ, गंगा जमुना सरस्वती सबका जल है, सरजू जी का जल है, जहाँ से सरजू जी का उद्गम हुआ है। अच्छा। हाँ, उत्तराखंड सरकार ने और अखाड़ा परिषद सभी मिलकर संतों ने ये लेकर के आए यहाँ राम जी के स्वागत के लिए। उत्तराखंड से ये पानी आया है, जो जल आया है चारों धाम से, गंगोत्री, यमुनोत्री और सरस्वती से, चारों धामों से, सरयू जी से भी ये पानी आया हुआ है। और ये देखिए अब बड़ी संख्या में संतगण आए हुए हैं और झूम रहे हैं सभी के सभी। क्या आया है इसमें, कहां से जल आया? विशेष जूना अखाड़ा की ओर से भारत की जितनी समस्त नदियां हैं उन पवित्र नदियों का जल यहाँ पर लाया गया है। गंगा है, कावेरी है, नर्मदा है, सिंधु है, यहाँ तक कि रामेश्वरम के जो 22 कुंड हैं उन कुंडों का भी जल यहाँ पर है, सागर का भी जल इसमें विद्यमान है। अच्छा, तो ये सब सभी कलश है। अच्छा। इन कलशों में पवित्र नदियों का जल है, इसे यहाँ जल अभिषेक होना है। अयोध्या नगरी का प्रक्षालन किया गया, उसके बाद कल भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होगी, भगवान श्री राम का अभिषेक इसी जल के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, तो अभी जो अयोध्या का प्रक्षालन हो रहा है, अयोध्या की जो जनता है उसका प्रक्षालन, एक हस्त प्रक्षालन की जो आम सभी अनुष्ठानों में जो किया जाता है वैसा ही अयोध्या नगरी को पहले प्रक्षालन किया गया, उसके बाद अब यहाँ से इसी जल के माध्यम से, इसी जल से भगवान श्री राम का जो जलाभिषेक होगा उसको जलाभिषेक से ही ये अनुष्ठान किया जाएगा। और सामने आप देखिए किस तरह से भक्तगण लगातार डांस कर रहे हैं, भक्तिभाव में झूम रहे हैं। फिलहाल अयोध्या की हर एक झांकी हम आप तक लेकर के आएंगे। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।